हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है और नॉन टीचिंग स्टाफ की ही 1377 वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल के आई हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके इस इन जब जितनी भी ये वैकेंसीज हैं, इनके लिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। इवन जिन्होंने बीएड की है, जैसे हम अब क्योंकि टीचर जिन्होंने बीएड की है वो टीचिंग लाइन में जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि नवोदय विद्यालय में वो नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने बीएड तो करी हुई है लेकिन वो नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर भी काम करना चाहते हैं अगर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है 2024 की, ये जो निकल के आई है, ये सारी की सारी वैकेंसीज जो है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, 30 अप्रैल लास्ट डेट थी वैसे अप्लाई करने की, लेकिन अभी एक नई नोटिफिकेशन आ गई है कि 30 अप्रैल से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका जो एक्सटेंशन का नोटिस है वो भी आपको वेबसाइट पे जरूर मिलेगा। मैं वेबसाइट का जो लिंक है, पीडीएफ का जो लिंक है और वेबसाइट का, वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। लेकिन ये जानने वाली बहुत ज़रूरी बात है कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा ना कि 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, अभी ये एक्सटेंड कर दी गई है 7 मई तक के लिए। 1377 वैकेंसीज हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2024 की, और जैसे मैंने आपको बताया, टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएट्स तो सारे ही हैं, ठीक है। और इसमें ना आप एक और बात का ध्यान रखना, क्योंकि अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है, उन्होंने भी अपना एक पोर्टल बना दिया है। तो ज़्यादातर आपको जितनी भी अब नोटिफिकेशन हैं वहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बोलते हैं हम इसको, ये अभी अभी बनी है और इसका एक पोर्टल है, उस पर भी आप पूरी सर्च कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसीज हैं, अब मैं आप लोगों को एक और पीडीएफ जरूर दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए। लेकिन दोस्तों, पहली बार चैनल पे अगर आप आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चैनल के ज़रिए यहाँ पे जो हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप लोगों को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपना तो आपका तो भला हो ही, आपका तो फायदा हो ही, लेकिन अपने दोस्तों को भी ये लिंक जरूर भेजा करें ताकि उनको भी शायद किसी का फायदा हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, मोटा मोटा बताऊँगा, बाकी उसकी जो पीडीएफ का जो लिंक होगा वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारी की सारी डिटेल आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, वैकेंसीज बताऊंगा उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, नंबर वन, बाकी लास्ट डेट आपको वहाँ दिख जाएगी और बाकी जो और भी मोटी मोटी चीज़ें वो भी आपको वहाँ दिख जाएंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का लिंक आप ओपन करते हो, है तो सरकारी ही या गवर्नमेंट की तरफ से ही होते हैं, लेकिन उसको पढ़ा करो अच्छे तरीके से। एक एक स्टेप को पहले अच्छे तरीके से सब्र के साथ उसको पढ़ना है, क्योंकि आपके काम की अगर चीज़ आपको लगती है लेकिन फिर भी उसको स्टडी कर लो। कोई फीस तो नहीं है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, उसके अलावा वैकेंसीज क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसको अच्छी तरह से स्टडी किया करो, उसके बाद फिर अप्लाई किया करो, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को वेबसाइट की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA, यहाँ पे आपने जाना है। इसका लिंक वैसे मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, लेकिन ये यहाँ से जानकारी पहले देखो, लास्ट डेट एक्सटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू 7th मई 2024। यहाँ साफ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, नीचे लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ देखो, वहाँ लिखा है कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन कीजिए या रजिस्टर कीजिए। और इनके ये नोटिस भी आए हुए हैं, देखो, एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति 2024। ये साफ तौर पे इन्होंने लिखा हुआ कि एक्सटेंशन मतलब डेट को आगे कर दिया गया है, तो ये अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। उसके बाद अगली जो नोटिस है, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति 2024। इसके बाद नीचे है वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर NVS 2024 तीसरे नंबर पर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं सारी की सारी वैकेंसीज दिखा सकूँ। अब देखिए ये PDF आपके सामने ओपन होगी, इसको जूम कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से फीमेल स्टाफ चाहिए नर्स, इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये मेल कैंडिडेट फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के अलावा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये रीजनल ऑफिसेज के लिए भी चाहिए, हेडक्वार्टर्स के लिए भी चाहिए और नवोदय विद्यालय के लिए भी, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी ये सारी रिक्वायरमेंट ओपन है ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। अब इसके बाद जो जितनी भी ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों, इसके लिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं, इवन टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीचर मतलब आपने BEd कर रखी है लेकिन आप टीचिंग जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो आप नवोदय विद्यालय समिति में इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी इसमें दिखती है। इस PDF को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है, एक एक चीज़ इसमें, इवन सैलरी, परमानेंट पोस्टें हैं और इसमें पोस्ट कोड और सैलरी के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। सैलरी लगभग 1 लाख प्लस तक चली जाती है पूरा का पूरा अगर स्केल देखा जाए तो, ठीक है। अब जैसे फीमेल स्टाफ नर्स हो गई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये इनके सारे के सारे डिटेल यहाँ पे आप लोगों को PDF में मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब ये मैं आपको एक स्केल दिखा देता हूँ किसी एक वैकेंसी का। स्टाफ नर्स के लिए 44,900 से, लेवल 7 का है, 44,900 से 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स, एज अप टू 35 साल, 35 तक होनी चाहिए नर्स के लिए, बाकियों के लिए अलग अलग एज स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे इसमें लिखी है BSc नर्सिंग चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी जितने और वैकेंसीज मैंने आप लोगों को दिखाई हैं उनके बारे में भी, अब जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूँ मैं यहाँ पे, BCA की है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जितनी और भी वैकेंसीज निकली हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट होगा बकायदा, उसके लिए सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपने आपको लॉगिन रजिस्टर करना है। और ये देखो जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ ये अपॉइंटमेंट होनी है, ये सारी की सारी लिस्ट जो है इस PDF में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज़ सब्सक्राइब, पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को ये सारी नोटिफिकेशनें जितनी भी मैं जॉब्स की और दूसरी इन्फॉर्मेशन की बताता हूँ आप लोगों तक पहुँच सकें। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करना है ऑनलाइन थ्रू NVS वेबसाइट, वेबसाइट की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज़ आप ओपन खुद भी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति का जो वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। फीस इसमें बता रखी है 500 से 1000 रुपये रिटर्न टेस्ट की एग्जामिनेशन की फ़ीस होगी। बाकी जितनी भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है मैंने कई बार आपको बोला है अच्छी तरह से पढ़नी है सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस। तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएँ। लेकिन अपने दोस्तों को जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।